हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर बलप्रीत कौर, एसोसिएट प्रोफेसर इंडीप साइंटी। टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, नेचर ऑफ सप्लाई, इंटर एंड इंटरेस्टेड सप्लाई एंड कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द नेचर ऑफ सप्लाई। सो डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई मीन्स कि आपको पहले डिटर्मिन मतलब पता करना पड़ता है कि वेदर द सप्लाई इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट मीन्स कि अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो अपनी गुड्स हैं वो सप्लाई कर रहे हैं, और इंट्रास्टेट मीन्स कि अगर विद इन द स्टेट गुड्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो अगर आप इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हैं देन उस केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगाया जाएगा। CGST means Central Goods and Service Tax and SGST means State Goods and Service Tax. और अगर Union Territory है then उस केस में UTGST लगेगा in place of SGST. अगर Interstate Supply हो रही है then उस केस में IGST is required to be collected and paid by the supplier. तो उस केस में Integrated Goods and Service Tax लगाया जाएगा। So GST is categorized into two parts. First one is interstate sales means sales within the same state or union territory, or interstate means sale within two states. कि अगर एक state से दूसरी state में goods को supply किया जा रहा है। In case of interstate sale, CGST and SGST लगाया जाएगा। CGST लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और SGST और UTGST लगेगा स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल यहाँ पे मिस प्रिंट है, IGST लगाया जाएगा और IGST लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज इंटरस्टेट सप्लाई। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इंटरस्टेट सप्लाई, व्हाट इज इंटरस्टेट सप्लाई। So first is interstate supply. Interstate supply means when the goods are supplied to the other state. Means the location of the supplier and the place of supply both are different. Means location of the supplier means जो supplier है वो किसी और state में है और जो place जहाँ पे goods को supply कर रहे हो वो किसी और state में है। So two different union territories or state and union territory. So आप इसको इस example के साथ clear कर सकते हैं, where the location of supplier is in Punjab and place of supply is in Haryana, it is considered as interstate supply. पंजाब से दमन एंड दीव में जा रहे हैं इंटरस्टेट सप्लाई, दमन एंड दीव से आ रहे हैं चंडीगढ़ में इंटरस्टेट सप्लाई। The next is supplies from outside India, means where the goods are imported into the territory of India till they cross the custom frontier of India shall also be treated to be a supply of goods. इसमें क्या आता है कि अगर आपके गुड्स फॉरेन से आ रही है तो आपको जो इम्पोर्ट ड्यूटी IGST तो पे करोगे करोगे, उसके साथ आपको इम्पोर्ट जो कस्टम ड्यूटी है वो पे करके आप गुड्स को बॉन्डेड वेयर हाउस से लेके जाते हो। मीन्स आपको वहां से गुड्स छुड़वानी पड़ती है वो पे करके कस्टम ड्यूटी। तो जब तक आपने वो कस्टम ड्यूटी में वो मतलब क्रॉस नहीं किया, ठीक है, लेकिन टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि जब आपने कस्टम ड्यूटी पे नहीं की तो उसको हम जस्ट क्या कंसिडर करते हैं, इंटरस्टेट ट्रेड। एग्जाम्पल से आपको ऑल क्लैरिटी हो जाएगी। मिस्टर ए इन महाराष्ट्र हु बाइज गुड्स फ्रॉम द फॉरेन सेल सप्लायर सेल द गुड्स टू मिस्टर बी इन महाराष्ट्र, मीन्स कि मिस्टर ए महाराष्ट्र का है, उसने मिस्टर बी को महाराष्ट्र में गुड्स सेल कर दी, तो हमें इससे क्या लगता है, इट इज इंटरस्टेट। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट पॉइंट है, वो क्या है, बिफोर द गुड्स आर इम्पोर्टेड इन टू इंडिया एंड वाइल द गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट, तो अभी गुड्स इंडिया में आई नहीं है और जहाँ फिर क्या है कि गुड्स अभी रास्ते में ही हैव नॉट क्रॉस द कस्टम्स एरिया ऑफ इंडिया, अभी कस्टम ड्यूटी भी नहीं पे हुई है। सो सेल ऑफ गुड्स अभी गुड्स रास्ते में ही है, तो मिस्टर ए ने आगे गुड्स मिस्टर बी को पहले ही सेल कर दी, उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई।
नेक्स्ट इज इम्पोर्ट ऑफ सप्लाई, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में क्या आता है, इसमें भी सेम है, सप्लाई ऑफ सर्विस इम्पोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि अगर बाहर से हम सप्लाई जो सर्विस है वो अवेल कर रहे हैं, देन इट इज टू बी कंसिडर्ड एज इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस इज द सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो रेसिपिएंट है वो कहाँ पे है, और प्लेस ऑफ सप्लाई मिल इन इन इंडिया। नेक्स्ट इज सप्लाइज आउटसाइड इंडिया, इसमें क्या आता है, अब हम इंडिया से बाहर सप्लाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे हम सप्लाई कर रहे हैं वो आउटसाइड इंडिया। तो द सप्लाई शेल बी कंसिडर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। सो हेयर लोकेशन ऑफ द रेसिपियंट इज नॉट मटीरियल टू क्वालिफाई एज सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो कहता है कि इफ द रेसिपियंट ऑफ द सर्विस इज ऑल्सो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, कि हमने अभी तक इसको क्या किया कि इट इज इंटर स्टेट ट्रेड, लेकिन वो कह रहा है कि इसको हम एक्सपोर्ट कब मानते हैं, इफ द रेसिपियंट ऑफ सर्विस इज ऑल्सो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एंड द पेमेंट फॉर सर्विस इज रिसीव बाय द सप्लायर, कि अगर सप्लायर ने पेमेंट भी रिसीव कर ली है इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, देन इट बिकम्स ए केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गुड्स ट्रांसफर हो रही है, देन इट इज टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, अगर वहां से आ रही है गुड्स देन उसको भी हम क्या कंसिडर करते हैं, इंटर स्टेट ट्रेड। देन नेक्स्ट इज सप्लाई टू फॉरन टूरिस्ट, सप्लाई टू ए फॉरन पर्सन लिविंग इंडिया नॉट नॉर्मली रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, वो भी मतलब कुछ टाइम के लिए अगर यहाँ पे आया है, और हु एंटर्स इंडिया फॉर ए स्टे नॉट मोर देन 6 मंथ, वो 6 मंथ से कम इंडिया में स्टे कर रहा है, देन उस केस में अगर वो उसको हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। देन नेक्स्ट इज इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई मीन्स कि अगर विद इन द स्टेट और रूरल टेरिटरी में गुड्स ट्रांसफर की जा रही है, इसमें हमने कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे, लाइक सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सप्लाई बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गुड्स इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया, सप्लाई टू पर्सन लिविंग इंडिया नॉट नॉर्मली रेजिडेंट इंडिया, एंड हु एंटर्स इंडिया फॉर स्टे नॉट मोर देन 6 मंथ्स फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेशन पर्पस। द नेक्स्ट इज हाउ टू डिटरमिन इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाईज। अच्छा, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले नेचर ऑफ सप्लाई डिटरमिन करनी पड़ती है, वेदर इट इज इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। अगर आपने गलत मतलब डिटरमिन कर ली तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपने डिफरेंट हेड के अंदर जो सप्लाई है जो अपना जीएसटी पे कर दिया है, देन वो आपका जो जीएसटी पे किया है वो रिफंड नहीं होता है। आपको दोबारा सही हेड के अंदर, राइट हेड के अंदर आप अपना जीएसटी पे करोगे, और जो आपने रॉन्ग हेड के अंदर जीएसटी पे किया उसके लिए आपको रिफंड की एप्लीकेशन देनी पड़ती है। सो द डिफरेंस बिटवीन इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई मीन्स व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन टू डिफरेंट स्टेट्स, देन इट इज कंसिडर्ड इंटर स्टेट। और अगर दोनों सप्लायर लोकेशन, सप्लायर की और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में है, देन इट इज कंसिडर्ड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट है गुड्स, इफ द गुड्स मूव फ्रॉम पंजाब टू हरियाणा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, देन इट इज कंसिडर्ड इंटर स्टेट और आईजीएसटी लगेगा। अगर जलंधर से लुधियाना हम गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं विद इन द स्टेट, देन इट इज कंसिडर्ड एज इंटर स्टेट और इसमें लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। नेक्स्ट इज सर्विसेज, इफ ए प्रोफेशनल इन पंजाब प्रोवाइड सर्विस टू क्लाइंट रजिस्टर्ड इन दिल्ली, हियर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रजिस्टर्ड, मींस क्लाइंट इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली, स्टेट से बाहर है तो इसको हम करेंगे कंसिडर इंटर स्टेट और आईजीएसटी लगेगा। नेक्स्ट है अगर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है टू ए अनरजिस्टर्ड पर्सन, बेशक वो दिल्ली में लोकेटेड है लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में हमने
अब इसमें एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इफ द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल इन पंजाब टू पर्सन इन दिल्ली। अगर हम यहाँ तक देखें इट्स कंसिडर्ड एज इंटर स्टेट, लेकिन हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या डिस्कस करना है, हुज एड्रेस इन दिल्ली इज नॉट अवेलेबल, मीन्स जो रेसिपियंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है, देन उस केस में हम जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसको हम सेम कंसिडर करेंगे जहाँ से सर्विस प्रोवाइड की जा रही, मीन्स पंजाब। तो इट इज कंसिडर्ड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो SGST एंड CGST इम्पोज किया जाएगा। नेक्स्ट इज इंटर स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई की एग्जाम्पल्स हैं कुछ, पंजाब से हरियाणा जा रही है इंटर स्टेट IGST, जलंधर से लुधियाना इंटर स्टेट, ये दोनों टैक्सेस लगेंगे। हिमाचल प्रदेश से जा रही चंडीगढ़, तो इंटर स्टेट सप्लाई है IGST लगाया जाए। दिस इज अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई।